आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए साइंस के सेट 16 को देखने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्न को करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने सेट 15 तक पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वह सभी वीडियो को देख सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके DLED के एंट्रेंस एग्जाम से। तो चलते हैं अपने सेट 16 के ऊपर। तो यहाँ प्रश्न देख रहे हैं, पहला प्रश्न कि एक लड़का प्लेटफॉर्म पर खड़ा है ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने पर। देखिए, एक लड़का प्लेटफॉर्म पर खड़ा है ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने पर क्या होगा। देखिए, तो यह होगा कि जब वह लड़का जो है प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहेगा और ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने पर वह प्लेटफॉर्म से ट्रेन की ओर भागेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आएगी तो वह किस ओर भागेगा? ट्रेन की ओर भागेगा, ताकि वो पकड़ पाए। समझ गए? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी होगा। लेकिन याद रखिएगा, कोई लड़का प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, वह चढ़ते समय भी जो है ट्रेन के डायरेक्शन में दौड़ता है चढ़ने के लिए, और उतरते समय भी जो है जब वो उतरता है तो ट्रेन जिस डायरेक्शन में जाता है उतरते हुए दौड़ते हुए उतरता है, ताकि वो स्थिर ना हो सके और गिर ना पाए। इसीलिए कभी भी कोई व्यक्ति ट्रेन से, मतलब चलती हुई ट्रेन से उतरता है या चढ़ता है, तो उसकी डायरेक्शन की तरफ दौड़ते हुए चढ़ता है और उतरता भी है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि प्लेग की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण से होती है। तो जो प्लेग महामारी जो हुई थी वह किस कारण से हुई थी? तो वह जो है आपके बैक्टीरिया के कारण से हुआ था। प्लेग जो बीमारी होती है निम्नलिखित में से जो है बैक्टीरिया के कारण जो है होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा एवं अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किस माध्यम से होता है। तो मानव शरीर में जो वसा एवं जो अवशिष्ट पदार्थ का जो निष्कासन होता है वह निम्नलिखित में से जो है गुर्दा के द्वारा जो होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि होरोलॉजी, देखिए होरोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। जो होरोलॉजी है इसमें हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, समय मापने का विज्ञान, मौसम की दशाओं, विज्ञान उत्कों के बारे में ज्ञान, लेसर पुर्ज का सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने का। तो देखिए, होरोलॉजी जो है आपका, उसको जो है हम लोग अध्ययन करते हैं कि समय मापन की विज्ञान के लिए अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खाली स्थान स्टेपीज, देखिए यह काफ़ी बार क्वेश्चन आपके सेट में आ चुका है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव शरीर में जो आपका यह स्टेपीज है यह क्या है, सबसे बड़ा क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ी जो है या सबसे छोटी हड्डी है, कि सबसे बड़ी हड्डी है, कि सबसे छोटी ग्रंथि है, कि सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो जो स्टेपीज है यह मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और जो आपका फीमर होता है, जो आपका फीमर होता है जो कि जांघ में पाया जाता है, यह जो होता है सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है। तो मानव शरीर के जो है निम्नलिखित में से जो है आपके यकृत, जो आपका यकृत है इसमें जो है यूरिया का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है। प्रकाश का जो विसरण होता है वायुमंडल में, इसका मुख्य कारण है धूल कण, धूल कण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। धूल कण के कारण जो है वायुमंडल में जो होता है प्रकाश के विसरण का कारण होता है। अगले प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है। तो जब जल को जो है 0 डिग्री सेल्सियस तक जो है गर्म किया जाता है तो उसका आयतन जो होता है सबसे पहले क्या होता है कि घटता है और फिर क्या होता है बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पहले घटता है फिर उसके बाद जो है बढ़ता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार की उद्दीपनों का ग्रहण किस तंत्र द्वारा होता है। तो देखिए, जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकारों के जो उद्दीपन का ग्रहण होता है, इस जो होता है वह जो होता है तंत्रिका तंत्र के कारण जो है द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपको, आँखों की दृष्टि पटल या आँखों की जो आपका दूरदृष्टि, देखिए आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। तो किसी व्यक्ति को जो है दूरदृष्टि की जो बीमारी होती है
वह जो होता है आपका नेत्र गोलक का छोटा होने के कारण होता है। नेत्र गोलक जिसके ऊपर जो है हम लोग देखते हैं जिसके माध्यम से, तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो यह जो होता है आपका आँख को जो है प्रभावित करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, पित्त मनुष्य के शरीर में कहाँ स्रवाहित होता है। तो जो पित्त होता है यह मनुष्य के जो है शरीर में यकृत में जो है स्रवाहित होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है। देखिए मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह जो होता है सर्वदाता होता है, तो मनुष्य के रक्त में जो है सर्वदाता जो समूह होता है वह ओ होता है, मतलब कि यूनिवर्सल डोनर, यह सभी को जो है दे सकता है। जिस व्यक्ति का ओ ब्लड ग्रुप होता है वह किसी भी व्यक्ति को जो है ब्लड जो होता है डोनेट कर सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कैलिस्फेरॉल। देखिए कैलिस्फेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो कैलिस्फेरॉल जो विटामिन का रासायनिक नाम जो है वह विटामिन डी का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि विटामिन डी का जो है सबसे ज़्यादा उत्तम स्रोत कौन है, तो जो है वह सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश में जो है सबसे ज़्यादा जो है विटामिन डी हमें मिलता है, तो याद रखिएगा ये भी प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में जो है निम्नलिखित में से जो है अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। देखते हैं सोलर कुकर पर हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें अवतल दर्पण लगा होता है ताकि सूरज के जो प्रकाश आती है उससे जो है हीट एनर्जी मतलब हीट आता है, उसके बाद जो है वह चलने लगता है सोलर कुकर, जिससे हम लोग खाना वाना बना सकते हैं, पानी वानी गर्म कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए तो सूर्य ग्रहण, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो याद रखिएगा कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है। देखिए चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब जो होता है सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन पृथ्वी जो होता है चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है तब जो होता है सूर्य नहीं, वो होता है आपका कुछ और होता है, सूर्य ग्रहण के बाद जो होता है चंद्र ग्रहण ग्रहण होता है, तो वो हो जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब चंद्रमा जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम लोग मतलब कि चूना बोलते हैं ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो इसको जो है रासायनिक सूत्र में क्या बोलते हैं, इनका रासायनिक सूत्र क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CaSO4 2H2O, ये वाला याद रखिएगा। देखिए N2H2O, ऑप्शन बी जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो होता है रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है। तो जो वर्षा की बूंद होती है वह किसके कारण गोलाकार होती है, तो वर्षा की जो बूंद होती है वह पृष्ठ तनाव के कारण जो है गोलाकार होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि एक जूल बराबर होता है, तो एक जूल जो होता है कितने अर्घ के बराबर, मतलब अर्घ के बराबर होता है, तो एक जूल जो होता है 10^7 मतलब 10^7 अर्घ के बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं, जो कि सेट का लास्ट प्रश्न है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, जब प्रकाश जो होता है लाइट जो होता है कांच वायु से जो होता है कांच में जाता है, तो उसका क्या होता है, तैरे धरंग जो होता है बढ़ता है कि घटता है कि वही रहता है कि कोई नहीं होता है। तो देखिए जब जब प्रकाश जो होता है वायु से कांच में जाता है तो उसका जो तैरे धैर्य मतलब तरंग धैर्य है वह क्या होता है, घटता है, तो या घट जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।